नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं यश सिंघवा। नंदन, सुंदर नजारा आज का हमारी बालकनी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामान ट्रक से उतरा हुआ है, तो यहाँ से इसको लोड करके कट्टों में भर के यहाँ से सारे लोग उठाते थे। मेरी चाची लोग, भाभी लोग यहाँ से चल रहे हैं ये सामान लेकर के। ये है अन्ना भाई, आप इसको देख सकते हैं दौड़ते हुए सीमेंट का कट्टा ले रहा है 50 किलो का। ये सारा सामान आने के बाद में अभी जो है रेते की ढुलाई चल रही है, सभी लोग ईंटों की ढुलाई में चल रहे हैं। ईंटों का सामान यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है साइट पर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं रिया सिंघवा, नंदन कनन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कनन होमस्टे में। तो एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कि हमारे पड़ोस में ही यहां पे घर बन रहा है। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं पहाड़ों में जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है जो यहां के लोकलाइट्स हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पर स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं। कोई भी काम हो, लेडीज़ की भागीदारी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि शहरों में लोग मिलजुल के काम करते हैं, पहाड़ों में मिलजुल के काम होता है, लेकिन जो महिलाएं हैं स्पेशली शहरों में तो सिर्फ हाउसवाइफ का काम करती है, लेकिन पहाड़ों में महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पहाड़ों में जो महिलाएं हैं वो कितनी मेहनत करके यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चलाती हैं, घर को पालती हैं। चलिए बने रहे हमारे साथ में, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप भी यहाँ की जो पहाड़ी लाइफस्टाइल है, कल्चर है, यहाँ की ट्रेडिशन है, उसको समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। ये हमारी बालकनी से सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। आज क्रिस्टल क्लियर स्काई आप देख सकते हैं और मौसम एकदम साफ है। कई दिनों से बारिश हो रही थी, उसके बाद 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा मौसम और एकदम सुंदर नज़ारा, हरा भरा पूरी आप इस घाटी को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं उस तरफ जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है रोड से सामान को अपनी साइट तक लाने के लिए। ये आप देख सकते हैं अभी पूरे रास्ते में हरियाली आपको दिखेगी और एक कैमोमाइल के छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं हर जगह लगे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली इस बीच में देखने को मिलती है क्योंकि हर पेड़ में अभी लीव्स आ चुकी होती हैं। ये आप हमारा घर देख सकते हैं, यहाँ से हमारा घर और साथ में हमारा होम स्टे ये रास्ते से। हमारे घर में एक गेस्ट रुके हुए हैं जिनका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहीं पे मैं एक बार जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पे सामान को रोड से साइड तक लाया जाता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है सामान को यहाँ तक लाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन के लिए इनके कॉलम्स के लिए गड्ढे खुदे हुए हैं और बाकी सामान की ढुलाई अलग से चल रही है। ये यहाँ पे कुछ मटेरियल का आया हुआ है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, तो रोड के पास में ट्रक यहाँ पे इसको अनलोड करके जाता है और यहाँ से मैन्युअली इसको कैरी करके ले जाना होता है साइट तक का, जो कि यहाँ से करीब 250 से 300 मीटर की डिस्टेंस है। तो इसमें कई तरीके हैं, या तो खच्चर के थ्रू जाता है या फिर मैन्युअली लोग इसको सिर में ढो करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन तो ये है कि लोग इसको सिर में ढो करके ले जाएँ क्योंकि खच्चर काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी ये महिलाएं हैं सब मेरे पास पड़ोस की, मेरी चाची ताई सारे के सारे रिलेटिव्स हैं जो इसमें सब लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं मैन्युअली करनी होती हैं और ख़ुद इसमें इन्वॉल्व होकर के करना होता है। तो एक एक जो है वो करीब 40 से 50 किलो वज़न सिर में ढो करके ऐसे ले कर जाती है, एक एक महिला इतना वज़न अपने सिर में ले करके चलते हैं। ये रास्ता है जो रोड से जो हमारे जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ तक का आने के लिए, इस तरह से सिर में ढो करके चलना होता है। करीब 40 से 50 किलो वज़न हर एक व्यक्ति लेकर के चलता है। ये आप देख सकते हैं लोहे के पाइप्स हैं जो कैरी करके चाची इसको लेके जा रही है।
फिर तो सारा सामान जो होता है रोड में आता है, रोड से फिर साइट तक की या फिर अपने घर तक का ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सब चाची लोग हैं जो यहाँ पर से इन सबको सिर में ढो करके साइट तक पहुँचा रहे हैं। पहाड़ में एक चीज़ देखी गई है कि जितना भी कोई भी काम होता है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी 90% रहती है। तो पहाड़ों में काम कराना बहुत मुश्किल होता है और बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि जितने भी सामान होता है वो सारा कुछ बड़े शहर से यहाँ तक आता है और वहाँ फिर रोड से घर तक पहुँचाना वो अपने आप में बहुत बड़ी कॉस्टिंग ले जाता है। बहुत मेहनत इसमें लगती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में होता है तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा इसमें लगता है और स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं उनकी बहुत मेहनत इसमें लगती है, बहुत हार्डवर्क इसके पीछे करना पड़ता है कोई भी सामान को घर तक पहुँचाने के लिए। कोई भी फंक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक्टिविटी हो, यहाँ पर सामान को रोड से घर तक लाना बहुत ही टफ टास्क रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये 40-40, 50-50 किलो के जो पाइप्स हैं इनको सिर में ढोकर के ले चल रहे हैं। तो यहाँ की महिलाएं जो है ना बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग यहाँ पे रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल है। सूरज के लिए तो ये बहुत हल्का हो रहा है, सूरज बिल्कुल हंसते खेलते इसको लेके जा रहा है। तुम्हारे सुबह सहर खेले तो तमें दिक्कत होने हमें हलने हो तमें दिक्कत आगे सर की टूट गई। सारा सामान जो है यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाएंगी। ये है अन्ना भाई, आप इसको देख सकते हैं दौड़ते हुए सीमेंट का कट्टा ले जा रहा है 50 किलो का पूरा। हाँ ये सारा सामान आने के बाद में अभी जो है रेती की ढलाई चल रही है, आप देख सकते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे चाची लोग हैं और भाभी लोग हैं ये रेती की ढलाई में सब। वाह अच्छा तो हम लोग सामान को लेकर के यहाँ पे जहाँ हमें पहुँचाना है इसको साइड पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये देखिए आप बल्लू गुड 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 मुझे पैसे दिखा रही है पार्टी कराने के लिए और ये सामान को हमें यहाँ पे सारा इकट्ठा करना है, यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलना है तो इस जगह पे सारा सामान रखा जाएगा। पार्टी जितनी बनानी होती है तो ये इस स्थान पे इस सारे सामान को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। ये रेती का ढेर है, बाकी कंक्रीट और जो भी लोहे का सामान है, सीमेंट वगैरह सारी चीजें यहीं पे रखी जाएंगी। पंडित जी ने भी मैं चू और अब नंबर आता है ईंटों का। ईंटों का भी सेम वही सिस्टम है, रोड तक ईंटें गाड़ी से आती हैं और वहाँ से फिर सारी साइड तक का मैनुअली ऐसे ईंट में या सिर में लेके आती जाती हैं। सारी जो लेडीज़ होती हैं वो सिर में इसको लेके आती हैं और जो मेल मेंबर्स ढुलाई करते हैं वो पीठ में इसको लेकर के आते हैं। तो करीब 75 kg वेट एक यहाँ पर मेल मेंबर लेके आ रहा है इसमें, और फीमेल मेंबर जो है करीब 60 kg तक का वेट अपने सिर में लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत ही टफ और हार्ड वर्किंग टास्क यहाँ पर है सामान की ढुलाई रोड से अपनी साइड तक लेके आना। ये आप देख सकते हैं ये रोड है जहाँ पे ट्रक से अनलोड होकर के माल
इकट्ठा हुआ और यहाँ से उठा रहे हैं मैन्युअली, इसको सिर में लेकर के चल रहे हैं। ये बोर्ड के ऊपर इन्होंने स्टेप बना करके सारे ब्रिक्स को रखा है ताकि ये इधर उधर गिरे नहीं, इंटरलॉक करके रखे हुए हैं, तो ऐसे ही ये लोग लेके चल रहे हैं इसको। तो ये एक यूनिक स्टाइल है यहाँ पे इसको, क्योंकि इनको हैबिट है इस तरह से काम करने की, इसलिए ये लोग कर पा रहे हैं। तो सारा कुछ जो भी है मैनुअली यहाँ से सारा सामान जाता है रोड तक। ये देख सकते हैं आप चंद्रा रानी 25 ब्रिक्स, 3 kg का एक ब्रिक है, तो ये 75 kg वेट अपने सिर में इस तरह से लेके चल रहे हैं। ये देखिए सिर के सहारे और पीठ में 75 kg वेट चंद्रा रानी, गजब की ताकत है चंद्रा रानी के पास में। तो मेल मेंबर्स जो होते हैं करीब 75 के समथिंग ये वेट इसमें लेके चल रहे हैं, और जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं वो लोग जो हैं 60 के अराउंड वेट यहाँ से लेके चल रहे हैं। आज मौसम एकदम सुहावना है, ये रास्ते से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो रोड से साइड तक का रास्ता है वहाँ पर सब देख सकते हैं, इतना हसीन नज़ारा दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर स्काई आप देख सकते हैं। ये रास्ता है जो रोड से अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ तक का पहुँचता है। तो अभी पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ और पूरी सुंदर वैली यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खेतों में आलू लगा हुआ है और इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इन्हें लगा रखी साइड से। चाय किसके लिए लाई है? अब तो आ गई एक, हेलो बोल दे। क्या चाहिए? हेलो हेलो, चल कितने पड़ता है? चल पारा सुना तीन का। वेरी गुड, ये ले। पहाड़ों में जो है जीवन बहुत ही कठिन रहता है, सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, लेडी मेंबर्स जो हैं फैमिली की, उनके ऊपर बहुत बर्डन होता है परिवार को चलाने का। क्योंकि एक बार ऐसा देखा गया है कि जो मेल मेंबर्स होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, इस तरह के जो गलत हैबिट्स होते हैं उसमें डूबे रहते हैं, लेकिन जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे परिवार को संभालने की, बच्चों को पढ़ाई कराने की, तो उनको इस तरह से मजदूरी करके अपने परिवार को पालना पड़ता है। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सभी जो भी लोग पहाड़ों में ज़मीन खरीद के अपना कंस्ट्रक्शन कराते हैं, वो एक प्रायोरिटी दें यहाँ के लोकल लॉयड्स को, लोकल लोगों को, जिससे उनको रोज़गार मिले, जिससे वो उनका घर चल सके। क्योंकि ज़मीनें बहुत बिक्री हैं और साथ ही साथ मकान बहुत बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन जितने भी हो रहे हैं अगर लोकल के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनका कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो ब्लॉग में हमारे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।